वहीं मुंगेली जिले के लोरमी की एसडीएम रुचि शर्मा पर होम आइसोलेशन में रह रहे एक रिटायर्ड सैनिक की पिटाई का आरोप लगा है। रिटायर्ड सैनिक ने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला रिनोल गांव का है, जहां सैनिक गोविंद राम साहू पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 31 मार्च को रिटायर होने के बाद नासिक में एक महीने तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद अपने गांव डिंडोल पहुंचे थे। उन्होंने इसकी सूचना लोरमी थाना और ग्राम सरपंच को दी। सरपंच रामनिवास राठौर ने क्वारंटीन सेंटर में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें घर में ही रहने के लिए कहा और घर के सामने होम आइसोलेशन का स्टिकर चिपका दिया। 12 दिन से होम आइसोलेशन के बाद लोरमी एसडीएम सरपंच की मौजूदगी में रिटायर्ड सैनिक के घर पहुंची और उसे घर से बाहर निकालते हुए डंडे से पिटाई कर दी। आरोप ये भी है कि एसडीएम रुचि शर्मा ने उनको क्वारंटीन सेंटर में ले जाकर बाहर से ताला लगा दिया। इस मामले में पूर्व सैनिक ने एसडीएम के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। इधर इस मामले में एसडीएम रुचि शर्मा ने पूर्व सैनिक के साथ किसी भी तरह की मारपीट की घटना से इनकार किया है। था उसके बाद में लोरमी एसडीएम आई, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाते, बिना कुछ सुने मेरे को गाय भैंस की तरह मारते हुए 400 मीटर दूरी मेरे घर से यहाँ क्वारंटाइन सेंटर स्कूल ग्राम पंचायत तक मुझे लाया गया और बिना खाना पानी का मुझे ये बंद करके बाहर से ताला लॉक करके चले गए। और दरवाजा खोले तो मारने शुरू लगे। क्यों मारे थे? घर में घुसे हुए अंदर में, क्यों स्कूल में नहीं, पंचायत भवन में नहीं हो, इसी तरह से मारने लगे। हाँ, रिटायर हूँ, 17 साल से आर्मी में सेना में थे, फिर 28 तारीख से रिटायर आए। फिर थाना में गई, बोले कि मैं आ गई हूँ, हॉस्पिटल में भी गई।